सुल्तानपुर लोधी के पिंड मियानी मला च किसानों वालों स्टाक की तूड़ी नूं लगी भयानक अग। लखां रुपया की स्टाक की गई तूड़ी खेतों सड़ के हुई सवा। दो किसानों वालों मुल नाड़ खरीद के करीब 180 ट्रालियां कीतियां गईयां सी स्टाक। किसानों नूं लगा वड्डा आर्थिक झटका। प्रशासन ते सरकार पासों कर रहे सहयोग की मंग। खेतों नाड़ नूं अग लगाउण वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दी कीती अपील। जिला कपूरथला के हलका सुल्तानपुर लोधी के अधीन पैंदे पिंड मियानी मला च दो किसानों वालों स्टाक की गई लखां रुपए की तूड़ी नूं अचानक भयानक अग लग गई, जिस कारण खेत विच स्टाक कीतियां लगभग 180 ट्रालियां तूड़ी सड़ के सवाह हो गई, जिस कारण किसानों का वड्डा आर्थिक नुकसान होया है। तुहानू दस दईए कि इंद्रजीत सिंह पुत्र वरियाम सिंह वासी पिंड धुंदा तहसील खंडूर साहिब और अमर सिंह मंड पुत्र सुखदेव सिंह पिंड महवाल तहसील सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला दोहा किसानों वालों ठेके ते लई जमीन अते कुछ नाड़ खरीद के उसकी तूड़ी बनाई गई सी, जिसनों खेत विच ही इकट्ठा किया गया सी। परंतु होर किसानों वालों आपू अपने खेतों विच नाड़ नूं अग लगाउण दे चलदिया उस अग दियां लपेटा उक्त तूड़ी दे भंडार तक पहुंचियां अते वेखदिया ही वेखदिया इस अग ने भयानक रूप धारण कर लिया। हालांकि अग नूं बुझाउण दे लई किसानां वल्लों कड़ी मशक्त कीती गई, परंतु वह पूरी तरह दे नाल असफल रहे। किसानों का कहना है कि उन्हां दा 5 तों 6 लाख रुपए का नुकसान होया है, जिस दी भरपाई कर पाउणा उन्हां लई बहुत वड्डा चुनौती है। लिहाजा उन्हां नाड़ नूं अग लगाउण वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करन दी मंग कीती है अते इस मुश्किल घड़ी विच प्रशासन अते सरकार पासों मदद की गुहार लगाई है। तुहानूं दस दईए कि अग लगन कारण इंद्रजीत सिंह दियां 150 ट्रालियां अते अमर सिंह मंड दियां 30 ट्रालियां तूड़ी दियां सड़ के सवाह हो गईयां हन। सरकार दियां हदायतां नूं छड्ड के तंग के नाड़ नूं अग लगाउण वालियां ने इन्हां किसानों का वड्डा आर्थिक नुकसान कर दिता है। सुल्तानपुर लोधी तो पत्रकार के एस कोड़ा की विशेष रिपोर्ट। इंद्रजीत सिंह नाम है मेरा जी, तो साड़ी 150 ट्राली तूड़ी की बनी है जी, तो कई शरारती अफसर ने घटना करती है जी, तो अं सरकार को चाहते हाँ कि सानू मुआवजा कोई कानूनी कार्रवाई बनती उत्ते की जाए। अपने अग लगना तुहानू कितने पता लगा? अग इतों फोन गया भी तुहाडी तूड़ी दे लागे अग लग गई है जी, जिन्ने चिर नूं आए उन्ने चिर नूं तूड़ी जिहड़ी आ सड़ गई। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ 4-4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਨਗੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਧੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਮਿਆਣੀ ਮਲਾਹ ਪਿੰਡ ਸਬਦਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ 150 ਟਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸਹਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੜਨੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਚਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੀਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ 150 ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, 150 ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 4-4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੜਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੰਮ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ
1500-2000 रुपये मुल लैके जी तूड़ी इन्होंने बनाई है, कम से कम कोई 150-ट्राली तूड़ी बनाई है। जो सूँ पता लगा भी इन्होंने तूड़ी किसी ने अग ला दी है, अभी प्रोपर इतने पहुंचे हाँ अपनी वाह लई पर अग जी बुझा नहीं सको, अग बहुत ज़्यादा तेज़ सी, सेका बहुत ज़्यादा सी। फिर असी पुलिस पुलिस महकमे यदि जानकारी दी, तहसीलदार पटवारी साहब नए बारे जा साढ़े जो चरार सिंह अंसरा ने जी कि अग ला दी गई आई गल, सरकार ने एक तो रोक ला चुकी आ जी नाड़ में अग नहीं लानी, पर फिर भी लोग जोड़े आ हटते नहीं, कम से कम इतने सोलर पॉइंट लगे हुए हैं, मोटर लगे हुई ने, अभी सवेरे आके फिर जिन्नी भी मोटर साढ़े को बचाई गई बचाई, नहीं तो घट्टो घट्ट इस मेरे हिसाब से भी 15-20 लाख का नुकसान जो अग ने कर रहे हैं। तुम हमने भी देख लो अपना कैमरा घुमा के, हजे भी अग जी लगी हुई है, मेरे हिसाब से भी 1400-1400 किला एकड़ साड़ी जमीन है, तो मेरे 1400 किला के ही जो नाड़ जो सड़ के सुबह हो चुका। अभी प्रशासन से मंग चाहते हैं जोड़ा दोषी आ उत्ते सख्त सत्कार भी होनी चाहिए आ, और सरकार को ही एक बेनती करते हैं कि जोड़ा नुकसान इन्हें हो घट्टो घट्ट भी 30-35 हज़ार रुपया ठेका भरते हैं, ठेके सू आस होंगी भी चलो कुछ साढ़ा ठेका पूरा करने वास्ते कुछ अं अपनी पशुआ से तूड़ी लैके जानी होंगी है, तो कुछ अं जी अं व्यापारी वेच के अपना जोड़ा वा अपना वो प्रॉफिट लैना हाँ, पर जोड़ा कि सारा ही सारा मिट्टी हो गया। असी महकमे आने सरकार में भी बेनती करते हैं तो साड़ी पुरजोर ये बेनती सुनी जाए, तो जो सा नुकसान होया वा भरपाई की जाए जी, जिम्मे की सरकार ने हदायत दी कि नाड़ अग नहीं लगाना, उन्होंने पालना की बिल्कुल स्टॉक कर लिया बिल्कुल जी, फिर भी अग लग गई तूड़ी में किवें देखते हो सर? ये तो साढ़े लोगों को जागृत होना चाहिए, सरकार सानू बार बार ये बेनती करती है तो तुम अग नाड़ ला ना लाओ, इनू पानी छोड़ो, इनू वाहो वाह के इनू मिट्टी मिला दो, पर की लोग साढ़े चाहते हैं पता नहीं, एक तो पानी दूषित करते हवा में दूषित करते जो एक बिल्कुल गलत आ, साढ़े लोगों को जागृत होना चाहिए, जो सरकार सानू कहती तो उन्होंने मनना भी चाहिए ता कि अणसुखवी घटना जी ना वापर सकन।